आपको बताएंगे परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, परफेक्ट टेंस क्या होता है अब हम बताएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारा आखिरी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, परफेक्ट अब हम पहले जानेंगे प्रेजेंट का। पहले हम कौन सा जानते हैं, तीन हमारे टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पहले हम प्रेजेंट का जानते हैं। हमारा इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं सब्जेक्ट। और ये हमारा इसमें परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमारा हैज है लगेगा, ये हमारा हैज है लगेगा। और प्लस हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट थिंग बीन लगती है, प्लस हमारा क्या लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसमें हमारा टाइम लगता है, इसमें हमारा टाइम लगता है, प्लस हमारा क्या लगता है सेंस और फॉर। इसका मतलब होता है कि जब अगर हमारा समय दिया गया है तो उसमें सेंस ऑफ फॉर, सेंस का मतलब होता है कि कोई काम हम अभी सिंस मॉर्निंग मीन्स अभी तक कर रहे हैं पर हम करते हैं। और सिंस का मतलब होता है कि जो काम हमारा एक पार्टिकुलर टाइम होता है, जैसे हम सुबह से खेल रहे हैं तो हमारा सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग हम सुबह से पढ़ रहे हैं तो हमारा फॉर हो जाता है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब हमारा अगला आ जाता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा आखिरी होता है। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि हमारा क्या हम इसका कैसे करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसे समझते हैं कि इसे हम कहते हैं कि जो कोई काम हम पास्ट में शुरू किए थे और अभी तक प्रेजेंट में भी चल रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे मान लीजिए ना वो वह तीन बजे से क्या है, वह 3 बजे से खेल रहा है। मीन्स अगर मान सपोज कीजिए अगर हम कहीं गए थे, हम अपने घर के बाहर किसी को एक लड़के को खेलते हुए देखे ठीक 3 बजे और हम फिर घर में आए और फिर हम 2-3 घंटे बाद फिर निकल के देखे तो वही लड़का सेम जगह पे खेल रहा है, तो हम नहीं आपस में नहीं कहते कि देखो मम्मी देखो पापा वह 3 बजे से खेल रहा है, कि हमारा पास्ट में शुरू हुआ था अभी तक चल रहा है। तो इसका हमारा कैसे बनेगा सब्जेक्ट, हमारा क्या है वह, तो वह का हो जाएगा ही हैज सिंगुलर, ही हैज बीन क्या प्लेइंग कितने बजे से खेल रहा है 3 बजे से, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, सुबह से खेल रहा है या दोपहर से खेल रहा है हमारा टाइम है, पर ये 3 बजे से कोई टाइम नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम दिया गया है। इसमें हमारा लगेगा ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 o'clock, यह हमारा 3 बजे से खेल रहा है, वह 3 बजे से खेल रहा है। तो इस तरह हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब हम अगला आते हैं पास्ट पे, पास्ट हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें हमारा कोई काम हम किसी के बाद में करते हैं, मीन्स जब कोई काम हो चुका है पर हम उसके बाद में करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। हम एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं हमारा इस, अब हम आते हैं पास्ट पर। तो पास्ट का हमारा फॉर्मूला होता है हैड प्लस बीन पर वर्ब, इसमें हमारा क्या लग जाता है चेंज होकर आफ्टर बिफोर, मीन्स पहले और बाद में, इसमें हमारा टाइम नहीं रहता, इसमें आफ्टर बिफोर होता है, किसी के बाद खेल रहे हैं, किसी के बाद पढ़ रहे हैं, किसी के पहले पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा इसमें हो जाता है। सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे मैं राम के बाद पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है मैं राम के बाद पढ़ रहा था, और मैं अभी पढ़ चुका हूँ पर मैं राम के बाद पढ़ रहा था। मीन्स अगर मान लीजिए हमारे फादर आए घर से, अगर हमारे पापा कहीं गए थे और हमारे वापस घर पे आए, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम पढ़ रहे थे, तो हमने सपोज आंसर दे दिया मैं राम के बाद पढ़ रहा था, मीन्स मेरा भाई जो राम है वो पढ़ चुका है और मैं उसके बाद पढ़ रहा था, मैं राम के बाद पढ़ रहा था। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसका हमारा बन जाएगा मैं कौन, कहते हैं आई, क्या लगेगा हैड बीन, ये हमारा
इम्पोर्टेंट, आई हैड बीन, क्या कर रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे, आई हैड बीन रीडिंग रीडिंग आफ्टर राम आफ्टर राम आई हैड बीन प्ले आई हैड बीन रीडिंग आफ्टर राम, मैं राम के बाद पढ़ रहा था। तो इस तरह हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। अब अगला हमारा आता है फ्यूचर, क्या होता है फ्यूचर हमारा, क्या होता है फ्यूचर हमारा, होता है वो काम जो हम कर चुके हैं, मीन्स वो काम जो हम कर चुके हैं और उसे हम दोबारा बता रहे हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा आ जाता है फ्यूचर, फ्यूचर होता है इसमें हमारा लगता है विल हैव। हमने परफेक्ट टेंस में देखा था तो हमारा विल हैव लगता था, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। इसमें हमारा परफेक्ट टेंस अगर आप जानेंगे तो हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर आप परफेक्ट और कंटीन्यूअस जानते हैं तो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आसान है। परफेक्ट का हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तीनों में, और कंटीन्यूअस का हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और ये भी इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तहत आता है। अब इसमें हमारा सिर्फ इतना ही रहता है, तो इसमें हमारा क्या सपोज बनता है कि वह खेल रहा होगा, मैं जो काम अभी फ्यूचर में वह खेल रहा होगा, मैं जो काम अभी फ्यूचर में ही बता रहे हैं पर हमें अभी पता नहीं है सही ढंग से। अगर हम सपोज कीजिए हम ग्राउंड में गए थे ठीक खेलने ग्राउंड में, और हम घर आए तो हमने एक लड़के को देखा था, तो हम घर पे आपस में ही बात करें कि वह खेल रहा होगा, मीन्स वह लड़का जो ग्राउंड में हम लोग ने देखा था वह अभी भी वह खेल रहा होगा। तो इस तरह हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो वह को हम क्या कहते हैं, ही विल हैव, इसमें हमारा विल हैव बी क्या कर रहा होगा, प्लेइंग। तो इस तरह ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अगर आपको ये फ्रेंड्स वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपके अपने चैनल स्टडी कोचिंग क्लासेस में नमस्कार।